फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया गया तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो, मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं, क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेने देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसे कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है, इसकी कंपनी ने और उसे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में, और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहां मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज हो, पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है।